आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। खबर हंदवाड़ा से मिल रही है जहां पर बटपोरा में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। मुठभेड़ में एक दहशतगर्द मारा गया है। जानकारी के मुताबिक मिलिटेंट्स के छिपे होने की पुख्ता खबर के बेस पर पुलिस और आर्मी की ज्वाइंट टीम ने तलाशी मुहिम शुरू की, जिसके बाद छिपे हुए मिलिटेंट्स ने गोलीबारी शुरू कर दी। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर है और आखिरी जानकारी मिलने तक रुक रुक कर गोलीबारी भी जारी है। और एजाज मंजर हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हंदवाड़ा से जुड़ गए, उनसे अपडेट लेते हैं। जी इस वक्त ताजा अपडेट क्या है एजाज? जी इमरान, अगर बात करें तो हंदवाड़ा में आज लगभग 2 बजे के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ, जो बटपोरा का एरिया हंदवाड़ा, इसमें 47 एसओजी हंदवाड़ा और सीआरपीएफ के 92 बटालियन एरिया को कार्डन करते हुए फायरिंग की तबादला कुछ देर तक चलता रहा, जिसमें एक मिलिटेंट को मार गिरा है। फौज का दावा है कि अभी भी कुछ इलाके मिलिटेंट इस इलाके में छिपे हुए हैं। जी शुक्रिया जाज मंजर आपका हंदवाड़ा से इस जानकारी के लिए। और आज दोपहर सोपोर के नूरबाग इलाके में मुश्तबा मिलिटेंट्स ने सीआरपीएफ और पुलिस की ज्वाइंट नाका पार्टी पर हमला कर दिया। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे। खबरों के मुताबिक मुसल्ले हमलावरों ने गश्ती पार्टी पर गोलियां बरसाई और फायर करते हुए ही मौके से फरार हो गए। हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। हमलावरों की तादाद 2 बताई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। इस रूट पे हमारी पार्टी लगी हुई थी। मोटरसाइकिल पे 3 अज्ञात आतंकवादी आए, उन्होंने हमारी पार्टी को फायर करके चले गए। हमारे किसी जवान को कोई फायर कोई नुकसान नहीं है। हमने रिटेलिएशन किया था लेकिन तब तक वो भाग गए। अभी हमने कॉर्डन डाल रखा है, देखते हैं जल्दी पकड़े जाएंगे। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से मुतनाजा बयान दिया है। उन्होंने एक पार्टी मीटिंग के दौरान कहा है कि आज के दौर में मुसलमानों को मारा जा रहा है। आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जिसे हम जानते थे। आज कितने मुसलमान मार नुमान बाकी बदतमान बैठने बयान कर हर कल हून बने मत इंसान समझान तम सोरे कह बाकी चुन कह हिंदुस्तान समझान हर कल मजहब सो मुसलमान ईसाई हिंद बुद जैन यह सिख हर बराबर हक आज कोशिश कर बदलाव अल्लाह ताला मंदिर दोस्त परवरदिगार ताकत निश राजा। रामबन से 40 किलोमीटर दूर गुल के दाचान इलाके में एक स्कूल टीचर पिछले 3 सालों से लापता है। कुनबे के लोग आज भी उनके लौटने के इंतजार में हैं। दस मई 2015 को 32 साल के मोहम्मद रफी अपने घर से बाजार निकले और लौट कर नहीं आए। वाकये को 3 साल गुजर चुके हैं और आज तक घर वाले मोहम्मद रफी के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वो यहाँ से घर में था जी, माँ जी को बोलने लगा, रात को ठीक ठाक रहा, वो बीवी भी यहीं पर थी, उसका वालद जी भी यहीं पर था, तो सुबह बोलने लगा माँ जी को मैं जा रहा हूँ हजाम के पास, बाथरूम का काम लगा था यहाँ पर। माँ ने इनकार किया, माँ ने बोला कि आप बेटे आज नहीं आप जाना, आप बैठो यहाँ पर, क्यों दूसरा भाई आपका कोई घर में है नहीं है। उसने नहीं माना, उसने बोला मैं जाऊँगा 10 मिनट के बाद में आया वापस। मोहम्मद रफी टीचर है और पास ही के स्कूल में पढ़ाने जाते थे। मोहम्मद रफी अपनी अहलिया वालिदैन और भाइयों के साथ खुशी से जिंदगी बसर कर रहे थे और अचानक उनकी खुशहाल जिंदगी को किसी की नजर लग गई और एक सुबह अचानक वो लापता हो गए। रफी के घर वालों के मुताबिक उन्होंने इस बारे में थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है लेकिन पुलिस अभी तक नाकाम ही रही है। मास्टर था और आज से पहले 3 साल जनाब वो मुझसे लापता है। मुझे कोई भी पता नहीं इस चीज का चलता। मैं जाकर 2 साल थाना में बैठा, थानों वालों ने बोला आप बैठो, मैं हम सब कुछ आपको सामने आ जाएगा, पुलिस का काम है। और मुझे कोई पता नहीं लाया, मेरा बच्चा ऐसे चले गया ऐसे हवान का बच्चा चले जाता। मैं गरीब हूँ इसीलिए मैं मुझ पर क्यों इतना बड़ा गदल हुआ। ये जनाबों की इंसाफ है कि मेरा किसी जगह तक पहुँचाए। मास्टर का जनाब उसका एक ही बच्चा हुआ था, वो पहले ही मार गया था जनाब। तो इनिशियली इसमें पुलिस ने काफी हेक्टिक एफर्ट्स किए,
इनका CDR एनालिसिस भी हुआ है। अभी ये SHO पुलिस स्टेशन गूल के पास है इंक्वायरी, तो इसका DD रिपोर्ट जो है वो पड़ा है, मिसिंग रिपोर्ट पड़ा है। उसके बाद जो है इंक्वायरी अभी ऑन है, इंक्वायरी चल रही है। SHO पुलिस स्टेशन गूल का ये इसका जहाँ तक सवाल है, इसमें CDR एनालिसिस किया गया, जो सस्पेक्ट्स थे कुछ उसके रिलेटिव्स थे उनकी डिटेल्ड क्वेश्चनिंग की गई, तो हमें उम्मीद है जरूर इसमें कुछ हमें कामयाबी मिलेगी, बट अभी तक इसमें कोई हमें सुराग नहीं। पुलिस से मदद मांगने के अलावा रफी के कुनबे ने भी उन्हें तलाशने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। साल दर साल गुजर रहे हैं, लेकिन घर वालों को उम्मीद है कि रफी घर जरूर लौटाएंगे। इसीलिए उन्होंने रियासती पुलिस और गवर्नर वोहरा से अपील की है कि मोहम्मद रफी की तलाश की जाए। 10 मई को वो घर से निकला था, तब से जनाब कोई पता नहीं लगा, जिसमें 2.5 लाख रुपया जमीन बेच के भी हमने कर्जा उठाकर, लेकिन मास्टर का कोई अता पता हमने नहीं लगा। फिर बाद में हम पुलिस में गए जनाब, पुलिस में ने भी पूरा कदम नहीं उठाया, ना गरीब की किसी ने सुनी। किसी नौजवान का इस तरह गायब हो जाना और सालों तक घर न लौटना किसी के भी समझ से बाहर है। हालांकि पुलिस मोहम्मद रफी को तलाशने में जुटी है और कुनबे को घर के इस चिराग के लौटने का इंतजार है। मोहम्मद रफीक खान की रिपोर्ट, जी सलाम रामबन। मुजफ्फर हुसैन के हालिया बयान के बाद PDP मौजूदा बोहरान खत्म होने की उम्मीद कर रही है। वाजह है कि गुज़श्ता दिनों मुजफ्फर हुसैन ने कहा कि पार्टी सदर को बागी लीडरान से बातचीत करके उनकी नाराजगी दूर करनी चाहिए। पीडीपी के सीनियर लीडर इंजीनियर नजीर यट्टू ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि पार्टी को मुत्तहिद होकर के महबूबा मुफ्ती का हाथ मजबूत करना चाहिए। रियासत की मौजूदा सियासी मखदूश सूरतहाल के बीच साबिक नायब वज़ीर-ए-आला लोकसभा मेंबर मुजफ्फर हुसैन बेग ने कल बयान दिया। बयान की तायद क्या पार्टी करती है, बयान में कितनी अवाम में पजीराई है और किस तनाजुर में इसको लिया जाता है, बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं PDP के लीडर इंजीनियर नज़ीर अहमद इत्तू साहब। इंजीनियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, पहले बताएगा कि बेग साहब के बयान को पार्टी किस लेवल में देखती है जो कल बयान आया। देखिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। जो बेग साहब ने कल बयान दिया है, हमारे पार्टी के एक बड़े रहनुमा है मुफ्ती साहब के बाद, लेकिन ये एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा कि पॉसिबिलिटी है, ये तो सही है कि PDP के बगैर गवर्नमेंट नहीं बन सकती है, हम ये मानते हैं, लेकिन जो हम सेकंड लाइन के जो हम वर्कर्स हैं इस पार्टी के, हमने एक मंशूर को वोट दिया था और आज भी हम उसी मंशूर के साथ हैं। मुफ्ती साहब का जो मिशन है और जो आज हमारी पार्टी प्रेजिडेंट जो महब्बा जी है, अगर महब्बा जी हमारे आगे रहेगी तो हमें कोई इसमें कोई दोराया नहीं है, हम महब्बा जी का साथ देंगे जो उनका मंशूर है। लेकिन इत्तू साहब, जिस तरह से लीडर ने बगावत की ख़ानदानी राज को लेकर, नसबुल ऐन को लेकर, उसके बाद ख़ास पर उन्हें कहा कि कुछ लीडरान हैं जिन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी को ठेके के तौर पर लिया हुआ था, जहां मर्जी है वहां एक्ट करते थे, जहां मर्जी थी वहां वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, पार्टी इस पर क्या कुछ कर रही है? देखिए, हमारी प्रेसिडेंट साहब वो बड़े इस पे काम कर रही हैं। घर में सब कुछ होता है, घर एक घर में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसी तरह हमारा PDP जो वो घर है, तो कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ रिकन्सलेशन चल रही है कि इंशाल्लाह रहमान PDP वापस आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो आपने बोला ये खानदानी राज है, PDP में खानदानी राज नहीं है। अगर हम देखा जाएगा कि मुफ्ती साहब को बनाने में महब्बा जी का बड़ा रोल है, जंगलों में गई, वो पहाड़ों पर चली गई, एक PDP को शक्ल दी है, तो इसको खानदानी राज नहीं बोलते हैं। खानदानी राज उस चीज़ को बोलते हैं, जैसे हम कहेंगे, आपने देखा होगा जब शेख साहब इस दुनिया से चले गए, जन्नतुल फिरदौस अता करे, तो लंदन से आए तो उस पर उन्होंने उस पर मोहर सबकत की, तो उसको हम खानदानी राज कहेंगे। खानदानी राज उससे कहेंगे कि मेरा चाचा है, या इससे कहेंगे कि मेरा बेटा है, विदाउट एनी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल कोई उन्होंने प्रोसेस नहीं की, तो अचानक वो सीट पर आ गए, तो उससे हम खानदानी राज कहेंगे। लेकिन जो लीडरान बगावत पे उतर आए, क्या वो पार्टी के साथ है, पार्टी से सलाह मशवरे के बाद किस नतीजे पर पहुंची पार्टी प्रेसिडेंट, और जो लीडरान नाराज हैं उनकी डिमांड्स उसको क्या किया? देखिए, मैंने पहले ही बोला कि जो नाराजगी होती है वो हर घर में होती है, लेकिन नाराजगी उस हद तक नहीं होती। मेरा मोटो ये नहीं होना चाहिए, देखिए पार्टियों में क्या होता है, एक तो अगर मिनिस्ट्री चाहिए उन लोगों को, फिर वो काज के लिए नहीं है। अगर मुझे मंडेट, नजीर यत्तू को मंडेट चाहिए, फिर मैं काज के लिए नहीं है। तो साहब, क्या माने कि जो बेग साहब ने बयान दिया है इस पर पार्टी प्रेसिडेंट मोहर सबत कर सकती है कि
حکومت پھر ہوگی پی ڈی پی کے ساتھ ہی ہوگی بی جے پی کی؟ دیکھیے دیکھیے اس پہ محبوبہ جی اس نے بھی اس حوالے سے بات وہ بھی بات کرے گی، لیکن میرا جو ذاتی ماننا ہے کہ پی ڈی پی کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی ہے، لیکن اس پی ڈی پی کی جس میں محبوبہ جی ہوگی، جس میں فرنٹ لائنر محبوبہ جی ہوگی ایز اے پریزیڈنٹ، ایز اے چیف منسٹر ہم محبوبہ جی کو ہی مان رہے ہیں۔ ادھر کٹھوا معاملے میں ملزم کی پیروی کر رہے اسیم ساہنی کے پروموشن پر وادی میں مخالفت کی آواز تیز ہوتی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے اس فیصلے کو انصاف کی روح کے خلاف بتایا ہے، جبکہ کانگریس کے سینئر لیڈر تاج محی الدین نے پروموشن پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے سماج میں غلط پیغام جائے گا۔ واضح ہے کہ اسیم ساہنی کو گورنر انتظامیہ نے ترقی دے کر کے ریاست کا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل مقرر کیا ہے۔ محکمہ قانون کی جانب سے جاری حکم نامے میں اسیم ساہنی کا پروموشن لسٹ میں 7واں نمبر ہے۔ تاج صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اب جو ملزم کا جو ایکیوزڈ کا کل تک وکیل تھا آج ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل؟ دیکھیے، پروپرائٹری تو یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ اس کو نہ بنایا جاتا۔ یوں دکھتا ہے کہ بی جے پی گورنمنٹ ان کو لے جاتی، یہ ان کا ہی خاص آدمی ہے۔ دیکھیے، سرکار اس وقت آپ چاہے کہیں یہ گورنر رول ہے، مگر سرکار تو سینٹر کی ہے اور بی جے پی کا اثر اس پہ ہے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنا خاص وکیل ایکیوز کے لیے رکھا تھا، تو اب اس کو وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے دل میں شکوک ہیں اور پروپرائٹری یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ ان کو نہیں چاہیے تھا ایسا کرنا۔ اب چلیے، اگر وہ کہتا کہ میں کیس سے دستبردار ہوا ہوں تو دوسری بات ہے، مگر لوگوں کے دلوں میں شکوک ہیں کہ ایکیوز کی حفاظت بی جے پی کر رہی ہے، شکوک تو رہیں گے۔ تو کانگریس پارٹی کا اس پہ رد عمل جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن جو انفرادی ذمہ داری ہے جب تک کیس صحیح معاملے پہ نہیں پہنچتا، اس کو پنجاب یا دیگر جگہ ریفر کرنے کا انہوں نے ہیلا بہانہ کر کے کہا کہ وہ تیار ہیں، لیکن کانگریس پارٹی کیا اگلا قدم کیا ہوگا کانگریس پارٹی؟ ہم تو اب کیس کیوں کورٹ میں ہیں، اور ہمیں جو ہمارا ملک کا جوڈیشل سسٹم ہے اس پہ پورا یقین ہے، اور جہاں سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اگر انہوں نے پنجاب میں کہا پنجاب، اگر کسی اور جگہ بھی کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ سہمت ہیں۔ تاج صاحب، وہیں راہل گاندھی کو لے کر بھی کافی وواد کھڑا ہوا کہ انہوں نے جہاں لب کشائی کی کہ مسلمانوں کے لیے کانگریس پارٹی پیش پیش رہی ہے، ساتھ میں ہندوؤں کے بھی پیش پیش رہی ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو اس کو پروپاگیٹ کرنے کی کوشش کیا؟ دیکھیں، میں تو راہل جی کے اس بیان پہ ہوں کہ کانگریس 120 کروڑ لوگوں کی جماعت ہے، اس میں ہر قوم آتی ہے، ہر مذہب آتا ہے، ہر ذات آتی ہے، ہم تو اس پہ چلتے ہیں جو راہل جی نے کہا۔ کانگریس کسی ایک فرقے کی جماعت نہیں، اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہے کہ وہ ہندو ہو مسلمان ہو، ہاں کوئی پچھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ادھر گورنر این این وورا نے ڈی جی پی کو کراس ایل او سی ٹریڈ میں شامل سبھی کاروباریوں کی ایک مہینے کے بھیتر جانچ کرنے اور ضروری دستاویز جمع نہ کرنے اور مشتبہ سرگرمیوں والے سبھی کاروباریوں کا رجسٹریشن رد کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے دونوں کاروباری مرکزوں پر 60 دنوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے اور ٹرکوں کی آواجاہی کے لیے روسٹر انتظام کو پوری طرح بحال کرنے کا بھی آرڈر دیا ہے۔ گورنر نے یہ ہدایتیں شری نگر میں ایک ہائی لیول میٹنگ کے دوران دی ہیں۔ انہوں نے ٹرکوں کی آواجاہی اور امپورٹ ایکسپورٹ میں شامل کاروباریوں کا منتھلی روسٹر سسٹم آن لائن کرنے اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اسے عام کرنے کے لیے کہا ہے۔ ادھر کراس ایل او سی ٹریڈ پر گورنر کی سختی سے ٹیم جموں کے لوگ خوش ہیں۔ واضح ہے کہ ٹیم جموں تنظیم کافی وقت سے نشے کے خلاف مہم چلا رہی ہے، ٹیم جموں نے اسے تاریخی فیصلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم کے کارکنان کافی وقت سے سرکار سے مطالبہ کر رہے تھے، لیکن گزشتہ سرکار نے ہمیشہ اس مانگ کو اندیکھا کیا۔ ٹیم جموں کے چیئرمین زوراور سنگھ جموال نے کہا کہ کراس ایل او سی ٹریڈ کے ذریعے نشے کی تسکری کا کام بھی ہو رہا تھا اور ریاست کے نوجوانوں کو نشے کا شکار بنایا جا رہا تھا۔ گورنر کے اس فیصلے سے نشے کے کاروبار سمیت کئی انلیگل ایکٹیویٹیز پر لگام لگے گی۔
आज की हमारी प्रेस वार्ता का सबसे बड़ा जो विषय है वो यही था कि हमने आभार प्रकट किया है महामहिम राज्यपाल एन एन वोरा साहब का, क्योंकि हम जो उम्मीदें अपने चुने हुए नुमाइंदों से पिछले इतने सालों से लगाए थे नैरको टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, ड्रग्स स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए, वो नहीं कर पाए। और फाइनली गवर्नर साहब ने कल उनकी जो बैठक हुई उनकी अध्यक्षता में, मैं समझता हूँ कि जो ट्रांस एलओसी ट्रेड सेंटर्स पे किस तरीके से एक स्क्रूटनी उन्होंने शुरू की और टाइम बाउंड इंक्वायरी की है कि जितने ट्रांस एलओसी ट्रेडर्स जो हैं उनकी स्क्रूटनी की जाए कि क्या वो वाकई ट्रेडिंग कर रहे हैं या इसकी आड़ में हवाला मनी और साथ ही साथ ड्रग्स स्मगलिंग को जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी जो टीम जम्मू की एक डे वन से ये डिमांड थी कि या तो ये ट्रांस एलओसी ट्रेड बंद कर देना चाहिए और यहाँ पर व्हीकल स्कैनर्स और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरास लगने चाहिए और प्रॉपर स्क्रूटनी होनी चाहिए ट्रांस एलओसी ट्रेडर्स की। गवर्नर एन एन वोरा के मुशीर विजय कुमार ने सोपोर में एक आला सतही मीटिंग में शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में सिक्योरिटी हालात का जायजा लिया। मकामी डाक बंगले में मुनक्किद जायजा मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी एडीजीपी कमिश्नर के डिविजनल अगर हम बात करते हैं कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर आईजीपी कश्मीर और बारामूला के डीसी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान विजय कुमार ने जिले में नज्म व नस्क बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों को बेहतर तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आवाम के साथ दोस्ताना और हमदर्दाना सलूक किया जाना चाहिए ताकि आवाम को इंतजामिया और पुलिस फोर्स के तहीं एतमाद पैदा हो। मीटिंग के दौरान जिले के डीसी ने जिले की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि अमन और अमान कायम रखने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से कारगर कदम उठाए गए हैं। दौरे के दौरान गवर्नर के मुशीर ने अवामी वफद से भी मुलाकात की। वफद में ट्रेनिंग निजाम की दुरुस्तगी, फल मंडी के करीब ट्रक टर्मिनल और कूड़ा घर बनाए जाने का मुतालबा किया। इसके अलावा दीगर मसाइल की जानिब भी मुशीर की तवज्जो मबजूल कराई गई। इधर आइंदा इंतखाबात के पेश नजर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब खवातीन वोटर्स की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दिया। इस हवाले से बारामूला में वुमन विंग की जानिब से पार्टी कारकुनों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर पार्टी की वुमन विंग के सदर शमीमा फिरदौस ने कारकुनों से ग्रास रूट लेवल पर काम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने औरतों के हकूक, उनकी हिफाजत और उन्हें खुद मुख्तार बनाने की हमेशा पेशरफ्त की है और साबिका हुकूमत की तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि खवातीन की हिफाजत में महबूबा हुकूमत बुरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इजलास में शमीमा फिरदौस के अलावा सूबाई सदर नीलोफर मसूद, साबिक एमएलए जावेद अहमद डार और दीगर सीनियर लीडर मौजूद थे। मुझे बहुत खुशी हुई, ये आज ही नहीं हुआ है जबकि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब का जब इलेक्शन था डॉक्टर फारूक साहब जिसमें प्रेसिडेंट चुने गए वहाँ पर भी हमने ये जो कौमी तराना हमारा है वहाँ पर भी हमने गाया, ऐसी बात नहीं आज है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब उसका उन्होंने इसको भी यहाँ पर भी आगे बढ़ाया, हमने यहाँ पर भी देखा। दिल की अमीर गहराइयों से मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ। अनंतनाग के डाक बंगले में सीपीआईएम कारकुनान का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वादी के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। सहाफियों से बातचीत के दौरान सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारीगामी ने कहा कि इंतखाबात और सरकारें बनाने से मसला कश्मीर का हल नहीं होगा, बल्कि जरूरी यह है कि पहले मसला कश्मीर का हल हो और अमन कायम हो, इसके बाद ही इंतखाबात कराए जाए। आज यकायक संगम बनेगा तो कैसे, ये सवाल नहीं है इख्तदार संभालने का। बमेहरबानी आपकी वसातत से मैं ये कहना चाहूंगा, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ शेयरिंग द पावर, मच मोर इज एट स्टेक। बहुत कुछ दांव पर है, हमारा फ्यूचर दांव पर है हमारी रियासत का, और इसीलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं। आज पार्लियामेंट चल रही है, पूरी सियासी कयादत से हमारी अपील है, आप हमारे दुखों का इलाज ढूंढ नहीं सकते लेकिन नमक पाशी हमारे जख्मों की ना करे। दूसरी जानिब अनंतनाग के खानबल में बीजेपी वर्कर्स की भी मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में पार्टी वर्कर्स को पार्टी को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। मीटिंग की सदारत बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सूफी यूसुफ कर रहे थी। वाजिर है कि सूफी बीजेपी एमएलसी भी हैं जिन्होंने आईएएस शाह फैसल के ट्वीट की मजम्मत भी की थी। उन्होंने शाह फैसल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। अरवल का भारतीय जनता पार्टी जब से शुरू हुई,
बीजेपी के तर्जुमान सुनील सेठी ने पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर पाबंदी के फैसले का खैर मकदम किया है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी चैनल प्रोपेगेंडा फैलाकर वादी के नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, बड़ा अच्छा कदम है। कश्मीर में अगर आपको स्थायी शांति चाहिए तो जो सेपरेटिस्ट और मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं उनको क्रश करना पड़ेगा। जब तक आप इनको सख्ती से क्रश नहीं करोगे ये ख़त्म नहीं होगा, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मजबूत कदम है इस डायरेक्शन की तरफ से। ये लोग जो पाकिस्तान के साथ बात करते हैं, पाकिस्तान में अपने आकाओं के साथ बात करते हैं, उनसे डायरेक्शन लेते हैं और फिर बाद में घाटी में जो है इस तरह की वारदातें देते हैं, इनको रोकना ज़रूरी है। ये एक बड़ा अच्छा कदम है और इसके जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, ऐसी हमारे को उम्मीद है। देखिए, सोशल मीडिया का रोल आप आज के माहौल में जो है वो नकार नहीं सकते। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया शायद सबसे सशक्त मीडियम बन के सामने आया है, और अलगाववादी जहाँ तक हरकतें देखें तो उसमें सोशल मीडिया की आप नेगेटिव जो है एप्लीकेबिलिटी देखते हो। सोशल मीडिया जो पाकिस्तान से या POJK से जो है वो ऑपरेट होते हैं वो लगातार जो है वो इस तरह की खबरें हो गई या इस तरह का जो है वो प्रचार करते हैं जिससे कश्मीर में यूथ जो है उसको भ्रमित किया जाता है। 21 जुलाई को जम्मू दौरे पर आ रहे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव सांबा नहीं जाएंगे। पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सिंह ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि राम माधव का सांबा जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। राम माधव की आमद के पेश नजर रियासती यूनिट की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दौरे के दौरान राम माधव रियासती लीडरान कारकुनों के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग में लोकसभा इंतखाब और पंचायत इंतखाब की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। माधव जी जम्मू में आ रहे हैं, इससे कोई क्रूशियल पीरियड तो नहीं है, पर जो नई नवनियुक्त टीम है उनके साथ वो बैठेंगे आने वाले समय में, और जो इलेक्शंस हैं हमारे लोकसभा के उसकी कुछ हम तैयारियां करेंगे आने वाले समय में। कॉर्पोरेट और पंचायत की जैसे बात चल रही है, गवर्नर चाहते हैं कि इलेक्शन कराए जाएँ, उसकी हम तैयारी की देख रेख के लिए वो खुद यहाँ पर आ रहे हैं। अभी सरकार के नाम पर तो कोई ऐसी बात नहीं है, पर विधायकों को भी अपने अपने क्षेत्र में किस प्रकार से हम इलेक्शन की तैयारी कर सके उस विषय पे ज़्यादा बात होगी। बाकी विधायक और आने वाले समय में जो सरकार बनानी या नहीं बनानी उसका कोई यहाँ पे फैसले की कोई ऐसी बात नहीं है। तो जानकारी देना चाहता हूँ, पहले तो राम माधव जी का कार्यक्रम जल्दी आने का था, मेरे को लगता है 21 को काफ़ी लेट आ रहे हैं वो, और जो सांबा की जो हमारी वहाँ पर कार्यक्रम थे सब कैंसिल हो चुके हैं वो। 2008 में श्री अमरनाथ जमीन तनाजे के दौरान हुए समझौते को नाफिज करने का मुतालबा करते हुए पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में एहतजाज किया। पार्टी ने नारेबाजी करते हुए इस विवाद के दौरान, इस तनाजे के दौरान अमरनाथ संघर्ष समिति और हुकूमत के बीच हुए सभी समझौतों पर जल्दी ही अमल करने की अपील की। इस दौरान तनाजे के दौरान मारे गए लोगों के अहल खाना को मुआवजा देने और नौजवानों पर दर्ज किए गए मामलों को वापस लिए जाने की मांग भी की गई। देखिए, 2008 में जो अमरनाथ जी की एजिटेशन हुई उसमें बहुत सारे जम्मू के लोग शहीद हुए, बहुत सारे जख्मी हुए और बहुत सारे युवाओं के ऊपर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए गए, बहुत सारा नुकसान यहाँ के लोगों को, ट्रांसपोर्टर्स को, बिजनेसमैन को हुआ, होटलर्स को हुआ, और इस एजिटेशन को खत्म करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त संघर्ष समिति और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि जो शहीद हुए हैं लोग उनके परिजनों को एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। इधर पार्टी सदर हर्षदेव सिंह ने रियासत में पाकिस्तानी और इस्लामिक चैनल्स के ब्रॉडकास्टिंग पर लगाई गई रोक के फैसले का इस्तकबाल किया है। साथ ही यह भी कहते हुए वो नहीं चुके कि फैसला पहले ही लिया जाना चाहिए था। तो आपको बता दें कि इधर सरकारी गोदामों से अनाज की कालाबाजारी किस तरह होती है, इसका एक मामला
لوئر منڈا علاقے میں سامنے آیا. گزشتہ دنوں دیر شام کمرشل ٹیکس محکمے کے اہلکاروں نے چاول سے بھری ایک گاڑی کو اپنے قبضے میں لے لیا. گاڑی میں چاول کے 311 بورے لدے ہوئے تھے. ایف سی آئی گودام سے لا دی گئی یہ گاڑی بارہمولہ سے جموں جا رہی تھی, اور جو اطلاع مل رہی اس کے مطابق ٹیکس انفورسمنٹ ایجنسی کے اہلکاروں نے لوئر منڈا سے گزر رہی جے کے 022557 نمبر کی گاڑی روکی تو ڈرائیور نے کہا کہ اس میں پتھر ہے, لیکن گاڑی کی تلاش لی گئی تو اس میں چاول کے بورے برامد ہوئے. چاول کہاں سے لادا گیا تھا, کہاں جا رہا تھا, اس بارے میں ڈرائیور کوئی صاف جواب نہیں دے پایا. چاول کو ضبط کر کے ڈرائیور کو مزید تفتیش کے لیے قاضی گنڈ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. اور ڈوڈا میں ایک وی سی ڈی یعنی کہ ویلیج ڈیفنس کمیٹی کے ممبر بلجیت رائے نے خودکشی کر کے اپنی جان دے دی. خبروں کے مطابق ڈوڈا کے کنسار علاقے میں ایک وی سی ڈی ممبر نے اپنی بندوق سے خود کو گولی مار لی. حالانکہ پولیس جانچ کی بات کہہ رہی ہے. اس معاملے پر ڈوڈا کے ایس ایس پی محمد شبیر نے کہا کہ وی ڈی سی گاؤں میں امن اور لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وی ڈی سی کی وجہ سے ہی ضلع میں ملٹنسی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں بڑی کامیابی ملی ہے. ہاں, یہ گندو ایریا میں ایک بلجیت نام کا وی ڈی سی ممبر تھا, اس نے سوسائڈ کیا ہے, فائر کیا اپنے آپ پر, اور وہ شاید بیمار تھا کسی تو, لیکن اس کی انکویسٹ جو ہے وہ شروع کی گئی ہے, پوسٹ مارٹم وغیرہ کروا لیا گیا ہے, اور انکویسٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا فائنل کہ کیسے اس نے کیا اپنے آپ کو خود گولی ماری ہے یا اور کوئی وجہ ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم یہاں پر لے رہے ہیں, اپنے جموں کشمیر کی اور بھی خبروں کے ساتھ لوٹیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر کا ہمارا خاص بلٹن کشمیر ایکسپریس. پنچھ میں سرحدی علاقوں میں رہنے والے طالبان, اگر ہم بات کرتے ہیں پنچھ کے سرحدی علاقوں میں رہنے والے طالبات کے جو نرسنگ تربیتی کیمپ ہیں وہ اختتام پذیر ہو گئے ہیں. 3 ہفتے تک چلے ان تربیتی کیمپ کا اہتمام 47 راشٹری رائفل کی جانب سے کیا گیا تھا. واضح ہے کہ سرحدی علاقوں میں پاکستان کی جانب سے ہونے والی فائرنگ اور شیلنگ کے سبب مقامی لوگوں کو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور حملوں کی زد میں آنے سے جانی نقصان کے ساتھ ساتھ اکثر لوگ زخمی بھی ہوتے رہتے ہیں. اس لحاظ سے یہ ٹریننگ کافی اہم مانی جا رہی ہے. ٹریننگ کیمپ میں مختلف علاقوں سے آئی 102 طالبات نے شرکت کی. مینڈر میں واقع ڈگری کالج میں چلے تربیتی کیمپ کے دوران فوج کے ڈاکٹروں نے طالبات کو فرسٹ ایڈ, سیریس اور ایمرجنسی کنڈیشن میں مریضوں کو کس طرح سے بچایا جائے اس کی جانکاری دی. ہمیں اس ٹریننگ سے بہت ہی بینیفٹ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں فرسٹ ایڈ کے بارے میں بتایا, جیسے یہاں پہ بہت ساری کامن پرابلمز ہوتی ہیں, جیسے کسی کو سنیک بائٹ کر جائے تو ایز اے فرسٹ ایڈ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کے بعد کسی کو انجری وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں ڈریسنگ کیسے کرنی ہے, آل اباؤٹ جو پروگرام تھا یہاں پہ, یہ انہوں نے جو ٹریننگ کا ایک رکھا یہ ہمارے لیے بہت بینیفیشل تھا, اور یہ ٹوٹل 21 ڈیز کا رہا. 3 گھنٹے کی ہم نے کلاس لگائی, ہمیں چھٹیاں تھیں بٹ ہم چھٹیوں میں بھی آ کے ہم نے یہاں پہ بہت کچھ سیکھ لیا ہے. 102 بچیوں نے اس کی ٹریننگ لی جو کہ بہت اچھی بات ہے, اور یہاں پر بیسک میڈیکل کیئر کی جو ٹریننگ ہے میں کہتا ہوں ہر لڑکی کو سمجھنا چاہیے, ہر لیڈی کو اس کے تھرو اس کیپسول کو کرنا چاہیے, کیونکہ ہم یہاں دور دراز کے علاقے میں ہیں, جو شہر میں ہے آپ کے پاس راشٹری رائفل ہے, آپ کو کبھی کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ جا سکتے ہیں. بھارت سرکار میں کمشنر آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر ڈاکٹر وینا گپتا نے پٹن کا دورہ کیا. انہوں نے پٹن کے سنگپور میں عام لوگوں کو مشن اندر دھنوش کے تحت ملنے والے سہولتوں کا جائزہ بھی لیا. انہوں نے علاقے میں مشن اندر دھنوش کے تحت لوگوں کو ہو رہی فائدے پر خوشی کا اظہار بھی کیا. اس دوران ڈپٹی سی ایم او اور بلاک میڈیکل آفیسر بھی موجود تھے. تو ہم سینٹر سے آئے ہیں ٹو سی کہ کس طرح سے یہ یہاں پر چل رہا ہے, اینڈ اف وی آر ریچنگ آؤٹ ٹو ایچ اینڈ ایوری چائلڈ, کوئی بچہ چھوٹ تو نہیں رہا پورے ڈسٹرکٹ میں, کچھ تو گاؤں میں ہو ہی رہا ہے مگر اس کے علاوہ مشن اندر دھنوش سارے ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے. تو اس طرح سے دیز پیپل آر گوئنگ ٹو سلمس, یہ اربن ایریا میں جو سلمس ہیں یہاں جو بچے آتے ہیں مائگریٹ ہو کر آتے ہیں تو ان کو بھی یہ دے رہے ہیں. میرا پرپز یہ ہے یہاں آ کے اس گرام سوراج ابھیان کے اندر جتنے ہمارے انیشیٹیوز ہیں وہ کس طرح سے اسٹیٹ میں چل رہے ہیں, اینڈ اکارڈنگلی اگر اسٹیٹ کو کہیں سپورٹ کی ضرورت ہے تو وی آر دیئر ٹو پرووائڈ ٹو دیم. ہاں نہیں, دے آر میکنگ اے گڈ ایفرٹ, آبویسلی دے آر ٹرائنگ ٹو کور ایچ اینڈ ایوری چائلڈ,
सो अभी तो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे और बाकी चीज़ें भी देखेंगे, वहाँ टीबी के लिए कैसी सहूलियत है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या सहूलियत है, वो मैं देखने जा रही हूँ। गांदरबल में महकमा तालीम की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में तलबा के लिए एक कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप में जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने जिस्मानी तौर पर कमजोर बच्चों को उनकी जरूरत के सामान तकसीम किए। बच्चों को व्हीलचेयर, रोलचेयर, हियरिंग एड्स, बाकी जो चीजें होती हैं तमाम चीजें तकसीम की गई। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो कुछ 1250 के आसपास वी हैव चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और जिसमें कुछ 300 के आसपास हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं। तो इन सबको अब आज हमने यही इसमें एक जो एक्शन प्लान है उस पर बात की कि क्या हर डिपार्टमेंट कर रहा है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो नोडल ऑफिसर या स्पेशल नीड्स जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए टीचर्स लगाए गए हैं वो किस तरह से फील्ड में जा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बिसाइड्स दिस कुछ जो हमारी PSU है लखनऊ से LM को, उनकी तरफ से जो डिपार्टमेंट के साथ हमारा MOU साइन हुआ है उनकी तरफ से व्हील चेयर्स और CP चेयर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई। और वादी कश्मीर के स्कूलों में बुनियादी सहूलत का न होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बाज स्कूलों की हालत देखकर महकमा तालीम की कारकर्दगी पर अफसोस भी होता है और मायूसी भी। सोपोर के पंजीपुरा में वाकई गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल की हालत ऐसी है कि ये स्कूल कम और चिड़ियाघर ज्यादा लगता है। स्कूल की 2 मंजिला इमारत के बालाई हिस्से में चिड़ियों और कबूतरों ने डेरा जमा रखा है और इमारत इतनी बोसीदा हो चुकी कि उसके ऊपर से 4 कमरों में क्लास ही नहीं चलती। स्कूल में पढ़ने वाले 175 तलबा के लिए स्कूल 4 कमरे हैं, बाकी के 2 कमरों में लेबोरेटरी, लाइब्रेरी और गेम रूम है। स्कूल इंतजामिया इमारत की मरम्मत के लिए कई दफा आला हुकाम से दरख्वास्त कर चुका है लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वाजह है कि तरजू और आसपास के रहने वाले बच्चों के लिए ये इकलौता हाई स्कूल है। ये बहुत ही पुराना स्कूल है जोन सोपोर का, बड़ा रिप्यूटेड स्कूल है जिसका हमेशा अगर हम परफॉर्मेंस के एतबार से देखेंगे तो परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी रही है। इसमें नियर अबाउट 200 स्टूडेंट्स जो हैं ज़ेर तालीम है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि इस स्कूल का जो आप खुलिया देख रहे हैं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से, एकोमोडेशन के एतबार से जो आप देख रहे हैं कि खासकर इसका जो फर्स्ट फ्लोर है ये कम्प्लीटली डिफंक्ट हो गया। हमें जो ये बिल्डिंग है बहुत ही खराब है, हमारा जो सेकंड फ्लोर है बहुत ही खराब है अब, और हमें एग्जाम बाहर देना पड़ता है क्योंकि यहाँ के जो ये टेबल्स बेंच से हमें नहीं है अलाउड यहाँ अंदर से, और हमें गर्मी में बैठना पड़ता है, ये अच्छा नहीं लगता है हमें क्योंकि हम बाहर बैठे। हमारी जो ये अपील है ये भी आप थोड़ा सा अच्छी तरह से सेंड करें क्योंकि हम भी अंदर बैठना चाहिए। कुलगाम से 22 किलोमीटर दूर सतराजन खुरीबतपुरा इलाके में रहने वाले लोगों ने महकमा R&B के खिलाफ एहतजाज किया। नाराज लोगों का कहना है कि दहाइयों से वो गांव में रोड की मांग कर रहे हैं और इस बाबत साल 2006 में मौजूदा सरकार ने गांव में रोड बनाने का काम शुरू किया लेकिन वो अब तक नहीं बन सका है। गांव वालों का कहना है कि PMGSY के तहत रियासत के दीगर इलाकों में रोड बनाने का काम किया गया, इस इलाके की अनदेखी हुई है। उन्होंने गवर्नर से अपील की है कि जल्द से जल्द उनके गाँव में भी रोड बने। शेख नाग कोई नहीं है जनाब, गल जाए के गाड़ी को कोई नहीं है, उधर कोई बीमार हो जाए तो हम ही चारपाई से इधर लगाता है, और एक हफ्ता हो गया मारो जो टब्बर है जो कच्चा ये पुल था वे रूट गया है फाका कशी है, तो आज हम आया ये घोड़ा ले गए राशन के लिए इधर। ये घोड़ा इसलिए हमने लाया है कि कोई रोड का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ, तो ये इसके लिए हमने लिया है, कोई बहुत बड़ा दूर है और हम आस हैं जजी से लेकिन रोड नहीं है, तो इसलिए ये घोड़ा हमने यहाँ लाया है, इसलिए हम आए। तो अगर रोड होती हैं तो वहाँ घोड़े वहीं घर में होते हैं तो हम गाड़ी में बैठ के यहाँ आते थे, इस वक्त आपने बच्चे छोटे छोटे मार रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसलिए ये घोड़ा हमने इस्तेमाल किया है कि हम चलेंगे राशन लेंगे, और जजी से हम आ रहे हैं, बहुत बड़ा दूर है, अगर रोड नहीं है तो हम कैसे चल रहे हैं। इस वक्त हम मुश्किलात में हैं, हम चार भाई जो बीमार पड़ता है हम उसको ले जाते हैं, हम किसे सोमू गाड़ी वाले को बोल रहे हो हमको सोमू दे दो मजगाम से, वो बोलते हैं 3000-4000 दे दो, हमारे पास उस वक्त किराया भी नहीं होता है, हमको 2-3 औरतें ऐसे जहाँ पाक होगी बच्चों के हिसाब में खलासी के हिसाब में मदद, लेकिन हमको रोड नहीं मिला आज तक, किसी हुकूमत ने हमारा रोड का कोई परेशान किसी ने रोड नहीं दिया है।
और इधर जम्मू में जरा सी बारिश के बाद नालियां उफान पर आ जाती हैं, जिसको देखते हुए इंतजामिया ने नालियों की मरम्मत समेत कई नालियों को बनाने का काम भी शुरू किया है। कैनाल रोड पर इंतजामिया की तरफ से नालियों को बनाने का काम किया जा रहा है। एक तरफ जहां नालियों को बनाए जाने से लोगों में खुशी है, तो दूसरी तरफ हैरानी भी। लोगों का कहना है कि बरसात से पहले या बाद में नाली बनाने का काम किया जाता तो बेहतर होता, क्योंकि नालियों के बनाए जाने से बरसात के बाद हालात और बिगड़ रहे हैं और आसपास की दुकानों और पैदल चलने वालों को बेहद परेशानी पेश आ रही है। तो ये सीवेज का और ड्रेनेज का प्रोजेक्ट तो अच्छा था, ठीक है, बट इशू आ रहा है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है वो सफ़र कर रहा है। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट क्यों सफ़र कर रहा है? देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेटर एज वेल एज द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स JEE एक्शन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस विद द कॉन्ट्रैक्टर। बोला कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट इन्होंने हमें बताया था जो करना है, अभी जो इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको आप मिला लीजिए, टोटल वेरिएशन आएगी। इशू उससे भी ज़्यादा ये है कि ये बरसात का मौसम है। बरसात का मौसम, हमने इनको पहले ही बोला था कि ये जो काम है या तो आप अगस्त के बाद कीजिए जब बरसात नॉमिनल हो जाए, ख़त्म हो जाएगी, या अभी इसको आप पहले कर देते था। इधर नौशेरा के सेरी कलाल और डिंग जाने वाली सड़क पर पुल बनाने की मांग 70 सालों से की जा रही है। लोगों की माने तो पुल के ऊपर से कई बड़े हादसे पेश आ चुके हैं। इस पुल पर यहां से कई गाड़ियां बह चुकी हैं, जिनमें से आर्मी के जवान समेत कईयों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके अब तक यहां पर पुल नहीं बनाई जा सकी है। खबरों के मुताबिक इंतजामिया और महकमे की जानिब से कई दफा पुल बनाने को लेकर सर्वे किए गए, लेकिन नाले पर पुल नहीं बन सका। कहना दे जाता हूँ कि हमारे एक सेरी से कलाल रोड है, जिसके ऊपर एक छोटा डिवर्शन बना हुआ है, और उस डिवर्शन को जब बरसात में के मौसम में पानी उसमें बहुत ज़्यादा आता है, तो इधर की फौज की गाड़ियाँ भी चलती हैं, सिविल स्कूल के बच्चे आते हैं, कलाल से इधर आते हैं, दो दो घंटे खड़े रहते हैं, पानी डिवर्शन से ऊपर जाता है। और ग्रिफ डिपार्टमेंट वालों ने कम से कम 25-26 साल हो चुके हैं इन्होंने इधर आके सर्वे करते हैं और सर्वे करके डॉक्यूमेंट लेके चले जाते हैं। ना तो किसी ने इसको पुल को बनाया और ना ही कुछ, जब भी बोलते हैं बस ये 2 साल के बाद बन जाएगा, बस अगले साल का काम स्टार्ट हो रहा है। ये पुल गिरा हुआ है, अभी तक ये पुल नहीं बना हुआ है। ये यहाँ से फौजी भी कहीं बह चुके हैं इस नाले से, तो जल्दी से जल्दी सरकार से अपील करते हैं कि ये इस नाले का कोई ना कोई प्रबंध करे, यहाँ से गाड़ियाँ आर पार होना बहुत मुश्किल है। और एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर लेंगे, लौटेंगे तो आपको गुरेज के बारे में बताएंगे तफसील से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस, जी सलाम पर आइए आगे बढ़ते हैं इस बुलेटिन में। गुरेज या गुरोइस, इसे मकाबी जबान में शीना जो जबान है उसमें गुराई भी कहते हैं। बांदीपुर जिले में वाकई एक शहर है और तकरीबन 8000 फुट की ऊंचाई पर है। यह शहर बर्फ से ढकी पहाड़ियों और खूबसूरत नजारों से घिरा हुआ है। यहां के लोग कश्मीरी के बजाय शीना जबान बोलते हैं, जो कश्मीरी की तरह एक दूसरी दार्दी जबान है। यहां के बाशिंदे LOC पार के गिलगित बाल्टिस्तान इलाके के अस्तोर जिले में बसने वाले लोगों से मिलते जुलते हैं। सर्दियों में यहाँ शदीद बर्फबारी होने से आवाजाही बिल्कुल ठप हो जाती है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला तारीखी रास्ता यहीं से निकलकर बुर्जिल दर्रे से होता हुआ गुजरता है। किशनगंगा नदी के किनारे बसा ये शहर साल भर बर्फ से ढका होता है। यहाँ की पहाड़ियां और कुदरती खूबसूरती जो नजारे वो सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन ना तो यहाँ के रास्ते दुरुस्त हैं और ना ही बुनियादी सहूलतें। अगर इन्हें दुरुस्त कर दिया जाए तो मुमकिन है कि मुल्क भर के साथ साथ दुनिया भर के लोग जन्नत की एक और खूबसूरती देखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। गुरेज बहुत खूबसूरत जगह है, आप तस्वीरों से ही समझ पा रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी आप देखिए कितनी खराब है। बारिश में रोडों का जो सड़कों का हाल है वो भी आपको नजर आ रहा है। ग्रीस में टूरिस्ट का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसको डेवलप किया जा सकता है। तो ग्रीस में बहुत ऐसी अच्छी जगह हैं जहाँ जिनको डेवलप हम एज ए टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। जैसे आपका रमन नाला है, सतसर गाडसर का जो इलाका है ऊपर का, जैसे बरनाई नाले का मामला है, बरनाई नाले के ऊपर जो इलाका है, तो बहुत अच्छी जगह हैं। यहाँ हमारे ग्रीस सेक्टर में बगतौर का एरिया है या पातलवान का एरिया है वगैरह, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है एज ए टूरिस्ट स्पॉट। मैंने सुना था गुरेज कश्मीर वैली से गुरेज की ब्यूटी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे हर पहाड़ी के बीच में मतलब नदी बहती है, तो वो डिफरेंट कर देती है ब्यूटी को। और ये ज़्यादा पीसफुल है, पीसफुल इन द सेंस लाइक जो नेचर का पीस है।
मैं चाहता हूं कि लोकल लेवल पे लोग डेवलप करें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। देखकर एक आदमी का मकान है, एक कमरा अपने टूरिस्ट के लिए रखे वो, ताकि वो रुपया कमाए। टूरिस्ट आएगा, डाक बंगलों में बैठेगा, खाना ये वो आपने मेस से खिलाएगा, अगले दिन चला जाएगा, तो लोकल को क्या फायदा हुआ। आप लद्दाख जाइए, लद्दाख में यूं ही टूरिस्ट पहुंचता है, और अब हम उस लेवल पे पहुंचे, आप 10-15 साल लगेंगे वहां। वो अपनी टैक्सी को जो वहां से आती है उसको अलाउ नहीं करते हैं। कल सुन रहा हूं, मुझे कोई सुना रहा था कि आज कल के ये हुआ है कि लोग अब वो टैक्सियां छोड़ो, उन्होंने अब चंडीगढ़ से गाड़ियां जो है किराए पर लाई है, और मोटरसाइकिल किराए पे दे रहे हैं, दिन में 1000-1200 का मोटरसाइकिल किराए पे दे रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। लोकल माइंडसेट तैयार हो जाए कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। आप आए हैं उनके घर में बैठे, रुपया 400 वो भी कमाएगा, और जो वह हम वहाँ वह बहरे का काम करेगा रुपया 200 वो भी कमाएगा, तो उस तरीके से उस इलाके की तरक्की हो सकती है। बाकी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से कोई तरक्की होने वाली नहीं। हर साल की तरह इस साल भी चिनौत चंडी माता की त्रिशूल यात्रा डोडा से भद्रवाह पहुंची, जिसमें की बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। मकामी लोगों ने यात्रा का शानदार इस्तकबाल किया। सर्वशक्ति सेवक तंजीम की जानिब से अकीदतमंदों को प्रसाद बांटा गया, और अमूमन ये यात्रा जुलाई की को अगर पहली तारीख को ही निकाली जाती थी, लेकिन गुज़श्ता 3 सालों से इसे 19 जुलाई को निकालने की कोशिश शुरू हुई है। वाज़ेह है कि 19 जुलाई को ही चंडी माता मंदिर की यौमे तासीस मनाई जाती है। इस दौरान इंतजामिया ने हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए हुए थे। खाने पीने से लेकर फास्ट फूड तक की सहूलत यहां पर थी। अकीदतमंदों को यहां पर तमाम सहूलियात मुहैया कराने की कोशिश की गई। सलाम के सारे दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार, और साथ ही साथ भद्रवाह की सारी ऑडियंस को मेरी ओर से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, क्योंकि इस वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर एक पावन धरती है, यहाँ पर चिनौत दरबार है, माँ चंडी का दरबार है, और आप सबको रोज़ यहाँ पर माँ भगवती के साक्षात दर्शन करने को मिलते हैं। सो हम सब बहुत ज़्यादा लकी है कि हम आज यहाँ पर हाजिरियाँ भर रहे हैं। यहाँ पर यात्रा है, इतने लोग दूर दूर से आए हैं। मेरे को इसलिए इस बात की खुशी है क्योंकि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ पंजाब, इंडिया की पूरी जितनी भी ऑडियंस, जितने भी संगत, जितने भी भक्त हैं, और साथ ही साथ फॉरेन से भी बहुत लोग जानते हैं इस बात को, क्योंकि जब मैं जाती हूँ आउट ऑफ इंडिया तो मैं सिर्फ मेरे मुंह से एक ही बात निकलती है कि चंडी माता का आशीर्वाद, चंडी माता का आशीर्वाद। यात्रा में जो है श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं, और सुबह से लेकर के 4:40 से लेकर दर्शन शुरू हुए हैं माता रानी के, तब से जो भक्तों की लाइन लगी हुई है लगातार, और न जाने कितने भक्त लोग जो है दर्शन कर गए। तो ये तस्वीरें हैं भद्रवाह की, जहां पर इस साल हर साल की तरह चिनौत चंडी माता की त्रिशूल यात्रा डोडा से भद्रवाह पहुंची, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। मकामी लोगों ने यात्रा का शानदार इस्तकबाल किया। सर्वशक्ति सेवक तंजीम की जानिब से अकीदतमंदों को प्रसाद भी बांटा गया, और ये यात्रा हर साल पिछले 3 सालों से 19 जुलाई को निकाली जाती, पहले ये 1 जुलाई को निकाली जाती थी, और 19 जुलाई जो होती है वो चंडी माता मंदिर की यौमे तासीस होती है, इसके चलते इसे अब 19 जुलाई को निकाला जाता है। इस दौरान इंतजामिया ने हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए हैं। खाने पीने से लेकर हर तरह की सहूलत जो भक्त पहुंच रहे हैं, जो जायरीन पहुंच रहे हैं, उन्हें देने की कोशिश की जाती है। जुमे से सोलवा जेके पुलिस मोटायर्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। श्रीनगर के टीआरसी ग्राउंड में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल 30 जुलाई को खेला जाएगा। रियासती फुटबॉल एसोसिएशन के तावुन से मुनक्किद इस टूर्नामेंट में रियासत की 34 मशहूर और मारूफ टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट की फातह टीम को इस दफा 1,00,000 कैश और ट्रॉफी, जबकि रनर्सअप को 75,000 और तीसरे नंबर पर आने वाली टीम को 50,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। इसके अलावा हर मैन ऑफ द मैच के लिए 5,000 रुपए का कैश प्राइज रखा गया है। 1998 में जारी अगर हम बात करते हैं टूर्नामेंट, शहीद इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद बाबा की याद में मुनक्किद किया जाता है। वाजो की 31 अक्टूबर 1997 को रोगल चौक पर हुए दहशतगर्दाना हमले में शहरियों की हिफाजत करते हुए वो शहीद हो गए थे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चीफ ADGP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 15 सालों से कामयाबी से चल रहे इस टूर्नामेंट को मुस्तकबिल में और बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया जाएगा। ये टूर्नामेंट सिविक्स एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक्किद हो रहा है। This tournament is being organized under Civic Action Program. The main aim is to basically promote police-public cooperation, promote sports culture amongst the youth of the state,
and also to provide a platform for the players to showcase their talent and to improve it further in future through coaching and through tournaments. ادھر بارہمولہ واقع ڈی پی ایس میں کشمیر کیپس اسپورٹس اکیڈمی کی جانب سے مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا اہتمام کیا گیا۔ اکیڈمی قائم ہونے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب کسی بڑے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا ہو۔ مختلف اسکولوں کے کھلاڑیوں نے بیڈمنٹن، والی بال، فٹ بال، باکسنگ اور کراٹے کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ اس موقع پر کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑی تعداد میں کھیل شائقین اور طلبہ کے والدین بھی موجود تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ شمالی کشمیر کے ٹیلنٹڈ کھلاڑیوں کی نشاندہی کر کے انہیں ٹریننگ کی بہترین سہولات فراہم کرنے کے لیے اس اسپورٹس اکیڈمی کو قائم کیا گیا ہے۔ کھلاڑیوں کو یہاں پر پورے سال کوچنگ کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے سامان بھی فراہم کیے جائیں گے۔ ہر بچے کو نیشنل لیول تک لے جانے کی ہماری ایک جدوجہد ہے، کوشش ہے، بیکاز دیر از نو ڈیتھ آف ٹیلنٹ ان کشمیر۔ ہر اسپورٹ میں ٹیلنٹ ہے، جیسے کہ سب جانتے ہیں پرویز رسول کو، منظور ڈار کو، ویسے ہی بہت ساری اسپورٹس ہیں جن میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ایک چھوٹا سا ہمارا انیشیٹو ہے، اس سے بچوں میں سے ٹیلنٹ ابھرے اور ان کو ہم جس لیول تک، اونچے سے اونچے لیول تک لے جا سکیں۔ کشتواڑ میں سی آر پی ایف کے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت فٹ بال ٹورنامنٹ جیتنے والی سنگرام بھاٹا ٹیم کو بھارت درشن کا موقع ملا ہے۔ فاتح ٹیم کے کھلاڑیوں کو بھارت درشن کے لیے تمل ناڈو کے مدرئی لے جایا جائے گا اور کشتواڑ سے جموں کے لیے نکلی فاتح ٹیم کی گاڑی کو ڈی سی ایم انگریز سنگھ رانا نے ہری جھنڈی دکھائی۔ سی آر پی ایف کا مقصد ہمیشہ سے لوگوں کے بیچ سدھاونا پیدا کرنا ہے، لوگوں میں بھائی چارہ بڑھانا ہے۔ اس بھارت درشن کا ادیش بھی یہی ہے کہ لوگوں کے بیچ بھائی چارہ بڑھے، سدھاونا بڑھے، بچے گھوم کے آئیں، وہاں دیکھیں کس طرح سے لوگ رہ رہے ہیں، ان کا کلچر کیا ہے اور لوگ کہاں بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ تو مجھے پورن وشواس ہے، آشا ہے کہ یہ وہاں جا کر وہاں کا کلچر۔ ادھر جموں کشمیر اولمپک ایسوسی ایشن نے ریاست میں کھیلوں کو فروغ دینے کے مقصد سے بھارت سرکار کی جانب سے جاری کھیلوں میں، خاص طور سے کھیلو انڈیا اسکیم کے تحت جاری فنڈز کے سلسلے میں گورنر سے وائٹ پیپر جاری کرنے کی اپیل کی ہے۔ اپیل میں پچھلے 3 سالوں سے مہیا کروائے گئے فنڈز کے بارے میں جانکاری عام کرنے کی اپیل کی گئی۔ اور پتن سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے مقابلے میں پتن اے ٹیم نے وائی سی سی شریف آباد کو 7 وکٹ سے شکست دے دی۔ اس کے پہلے پتن اے کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وائی سی سی شریف آباد نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 5 وکٹ کھو کر 163 رن بنائے۔ 163 رنوں کا جواب دینے اتری پتن اے کی ٹیم نے 12ویں اوور میں 163 رن کا ہدف پار کر لیا۔ اقبال کھانڈے کو مین آف دا میچ کا خطاب دیا گیا۔ سپر لیگ کے پہلے مقابلے کو دیکھنے کے لیے ریاست کی طرف سے رنجی ٹرافی کھیلنے والے مدثر اور وسیم رضا بھی موجود تھے۔ تو ناظرین، کشمیر ایکسپریس کے اس شمارے میں فی الحال اتنا ہی، لیکن زی سلام پر خبروں کا سفر جاری ہے۔ تھوڑی دیر بعد یعنی 8 بجے آپ دیکھیں گے ہمارا بے حد خاص پروگرام گراؤنڈ زیرو خورشید ربانی کے ساتھ۔